दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थियोरीज ऑफ सोशल मूवमेंट कि सोशल मूवमेंट कैसे चलती है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे थियोरी हर्बर्ट ब्लूमर की, और ये थियोरी, इसका नाम है थियोरी ऑफ सोशल अनरेस्ट। और ये अगर आपको दिमाग में एक ब्रॉडर आइडिया रखना है तो ये थियोरी क्या करती है आपको, ये एक तरह से ये स्टेजेस के जैसे ही है, ये स्टेजेस बताएगी कि क्या क्या स्टेजेस आएंगी हमारी सोशल मूवमेंट में। और यहाँ पे क्या लिखता है, ब्लूमर सॉ सोशल मूवमेंट्स एज मोटिवेटेड बाय डिससैटिस्फैक्शन विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ करंट सोसाइटी, की जो अभी चल रहा है उसमें कुछ डिससैटिस्फैक्शन लोगों को उससे, एंड इसको रेक्टिफाई चाहते हैं करना, एंड कुछ नया ऑर्डर चाहते हैं बनाना। अब इसीलिए ये बोलता है कि टाइप्स क्या होंगी, या तो एक्टिव उसको या आउटवर्डली डायरेक्टेड बोलेगा, जो कि समाज को बदलने के लिए होंगी मूवमेंट्स, एक्टिव और आउटवर्डली डायरेक्टेड। एंड इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे लेबर मूवमेंट आई थी, लेबर मूवमेंट में रेडिकली चेंज करने का आइडिया था किसको, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, ताकि वो इगैलिटेरियन इक्वल बन जाए। ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं, हर्बर्ट ब्लूमर बोलता है कि कुछ एस्पेक्ट से डिससैटिस्फैक्शन है उसको ठीक करने के लिए, नया ऑर्डर बनाने के लिए मूवमेंट शुरू होती हैं, एंड एक तरह से ये स्टेजेस बताएगा आपको। आपको ये याद होनी चाहिए पेपर में, आपको डायरेक्टली ये तीन हम बातें करेंगे आज, ब्लूमर की, एक स्मेल्सर की थियोरी एंड एक एंथनी गिडन्स, तीनों आपको याद होनी चाहिए। ओके, देन आगे बोलते हैं, एक तो हो गया एक्टिव और आउटवर्डली डायरेक्टेड, देन कम्स एक्सप्रेसिव और इनवर्डली डायरेक्टेड, कि जो इनवर्डली मतलब खुद को बदलने के लिए, जो इसमें खुद इन्वॉल्व होंगे वो बदल जाएंगे। तो देखो एट द सेम टाइम हम यहाँ पे एंड में बताएंगे कि हर एक मूवमेंट आउटवर्डली मूवमेंट इनवर्डली होती है, इनवर्डली आउटवर्डली भी होती है, दोनों में इकट्ठे चलता है। लेट से आप यहाँ पे एग्जाम्पल हो इन्वायरमेंट मूवमेंट का, कि अगर आप लोगों को प्रीच करते हो या लोगों को जाके बोलते हो कि कमरे से निकलते हुए आप लाइट्स ऑफ कर दो, तो आप खुद भी वो करना शुरू कर देते हो। तो ठीक है, आपने आउटवर्डली मूवमेंट शुरू करी थी एनवायरनमेंट बचाने के लिए, इनवर्डली भी आप चेंज हो गए। ओके, अब आगे ये यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बातों पर ले जा रहा हूँ। तो ये बोलते हैं कि लाइफ, ब्लूमर सेज लाइफ साइकिल है, हमने इसका कीवर्ड बनाने की ट्राई की, SPFI। आपको शायद पता होगा कि जो यूवी रेज होती हैं उनमें SPF बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो SPF आईज को बचाता है, तो SPFI याद रखना है, क्योंकि ये स्टेजेस हैं, हमको इसी ऑर्डर में ही याद करनी है SPFI, वट एवर योर वे ऑफ रिमेंबरिंग इट इज़, तो लेकिन आपको ये सेम ऑर्डर में याद होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि चार कंजेकटिव स्टेजेस हैं। पहली स्टेज ब्लूमर सेज इज सोशल फर्मेंट। फर्मेंट का मतलब क्या हुआ, कि लोगों में भी थोड़ा सा एजिटेशन है, थोड़ा सा गुस्सा है किसी इशू को लेकर, बट लेकिन रिलेटिवली अनफोकस्ड है, अभी डिसऑर्गेनाइज है, अभी बस गुस्सा है, उबल रहा है, फर्मेंटेशन हो रही है, उबल रहा है सामान अभी, लेकिन पता नहीं हुआ कि क्या हो अभी है किसी को, कि मैं सिर्फ मुझे ही गुस्सा है या सभी को गुस्सा है, बस लेकिन बस गुस्सा है, अभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई है। देन कम्स पॉपुलर एक्साइटमेंट। पॉपुलर एक्साइटमेंट का मतलब हुआ कि डिससैटिस्फैक्शन जो लोगों की है, ये मोर क्लियरली डिफाइंड कि हाँ किस बात से गुस्सा है, लड़कियों की सेफ्टी को लेके गुस्सा है, महंगाई को लेके गुस्सा है, करप्शन को लेके गुस्सा है, किस बात को लेके, ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है एंड लोग आपस में बात करना शुरू कर चुके हैं। पॉपुलर, पॉपुलर मतलब कि लोगों तक बात पहुँच चुकी है, अब लोग इसमें चाह रहे हैं कुछ हो बदलाव, एंड देन इसके लिए वो इकट्ठे होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। SPF में पहला सोशल फर्मेंट, देन P से पॉपुलर एक्साइटमेंट, F से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग इकट्ठे होकर कुछ कोऑर्डिनेशन, हायर लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन अचीव करेंगे एंड इफेक्टिव कैंपेनिंग करेंगे ताकि कुछ बदलाव आ सके। एंड देन फोर्थ लेवल पे क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जो आपकी मूवमेंट है वो एक समाज का हिस्सा बन जाएगी, एंड उसके बाद हो सकता है कि वो खत्म हो जाए, हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी बन जाए। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कि वो समाज का अभिन्न एक अंग बन जाएगी। ठीक है, आगे तो यहां पर आप टिली का भी एस्पेक्ट डाल सकते हो, हमने पीछे टिली का एस्पेक्ट पर चार्ज चली, वो क्या बोलते हैं कि पहले, इसको मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके, तो कहते हैं पहले मूवमेंट्स इमर्ज होती हैं, देन कोएलेस होती हैं, मतलब कि इकट्ठी होती हैं, फिर ब्यूरोक्रेटाइज होती हैं, जिसको हर्बर्ट ब्लूमर क्या बोलता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद टिली ने लेकिन बहुत ऑप्शन दी कि कामयाब हो सकती हैं, फेल हो सकती हैं, कोऑप्ट हो सकती हैं, रिप्रेस हो सकती हैं, या मेनस्ट्रीम हो सकती हैं। फाइनली टिली के हिसाब से तो हर एक मूवमेंट डिक्लाइन होगी ही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके लेकिन कुछ क्रिटिक्स भी हैं। क्रिटिक्स में क्या के बोला कि ब्लूमर को लग रहा है कि किसी भी इरेशनल काम के लिए भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, किसी भी, जरूरी नहीं है रैशनल डिसीजन ही होंगे या स्ट्रैटेजी रैशनल होंगी, बस लोग इकट्ठे हो जाएंगे। एंड एक और क्रिटिसिज्म क्या हुआ था कि ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट दे रहे हो आपकी स्टेज 1 2 3 4, इससे कहते हम कुछ, इसके हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते,
हम मूवमेंट्स को रोकना है, कैसे रोकें, क्या हेल्प करें, जनता से कैसे बात की जाए, जो स्टेट के लिए कोई यहाँ पर कोई हिदायत नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर थ्योरी में बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हमें नज़र आते हैं। क्विकली मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आपको आपको याद होनी चाहिए। पहले ये बोलते हैं कि कोई एस्पेक्ट्स डिसटिस्फैक्शन है, देन उसके लिए मूवमेंट आएंगी, कैन बी एक्टिव और आउटवर्डली या एक्सप्रेसिव और इनवर्डली। हम क्या देखते हैं कि दोनों मूवमेंट्स इकट्ठी हैंड इन हैंड चलती हैं, बाहर बदल जाते हो, खुद भी बदल जाते हो। देन लाइफ साइकिल बताते हैं SPFI, सोशल फर्मेंट की, अनफोकस्ड डिसऑर्गेनाइज्ड है पॉपुलर एक्साइटमेंट, जिसमें पॉपुलर एक्साइटमेंट में आपस में बात शुरू हो गई है, थोड़ा डेफिनेशन आ रही है, थोड़ा क्लियरली डिफाइंड है डिसटिस्फैक्शन। देन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन बढ़ गई, थोड़ा ब्यूरोक्रेटाइज हो गया। देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की समाज का हिस्सा बन चुके हैं। क्रिटिसिज्म में बोला कि इरेशनल कामों के लिए भी लोगों को इकट्ठा करने भी हो जाते हैं, जरूरी नहीं रैशनल कामों के लिए हो, इसको हर्बर्ट ब्लूमर नहीं कैप्चर कर पाता। एंड देन कि डिस्क्रिप्टिव अकाउंट है सरकारों के लिए या फिर बाकी जो अगर किसी को अगर इसकी लोगों ने अगर मूवमेंट में को चाहते हैं कि मूवमेंट की बात मानी जाए, उसके लिए गवर्नमेंट्स या स्टेट्स के लिए कोई यहाँ पर गाइडलाइंस नहीं है कैसे जनता से बात की जाए। ठीक है, अगले वीडियो में हम करेंगे कवर नील्स मेल्सर कि नील्स मेल्सर की थ्योरी क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको पेपर में अलग अलग नाम से पूछी जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।